हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज की अपडेट जो है वो रहेगी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से। और आज जो है उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने एक रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर किया है। तो देखते हैं कौन सा रिज़ल्ट है, क्या पोस्ट कोड रहेगा। तो ये है रिज़ल्ट ऑफ रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 490 पोस्ट। तो 490 पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है रिज़ल्ट घोषित किया गया है। और ये जो रिज़ल्ट है ये रहेगा TGT आर्ट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और इसका पोस्ट कोड रहेगा 699। तो इसका जो है रिज़ल्ट आज जो है घोषित कर दिया गया है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो 26,944 अप्लीकेशन जो हैं उनको एडमिट कार्ड जारी किया गया था। और बात करें कि कब हुआ था ये एग्ज़ाम, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था 11 मई को। और इसमें जो है आज ये रिज़ल्ट जो है घोषित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं जिनके रोल नंबर जो हैं यहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट प्रोसेस में वो पहुंच चुके हैं। अब उनका नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इवेल्यूशन होगी या कोई और भी है, तो वो आप देख लें। और ये रहे रोल नंबर, तो आज ही ये जारी किया गया है 26 जून को TGT आर्ट्स। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से ये रिज़ल्ट जो है घोषित किया गया है। 11 मई को इसका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, और आज जो है इन्होंने रिज़ल्ट घोषित कर दिया है, रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। तो आप जो है ये रिज़ल्ट जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हो, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपको ये रिज़ल्ट जो है मिल जाएगा। तो टोटल जो है 1508 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट रहेगी www.hp-sv.hp.gov.in। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जो है ये रिज़ल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और एक और यहाँ पे ये यह है कि नेक्स्ट जो है इवेल्यूशन प्रोसेस जो है, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे हुए हैं उनका इवेल्यूशन जो होता है 15 मार्क्स का 15 नंबर का, वो होगा 8 जुलाई को, 8 जुलाई से 19 जुलाई तक जो है इनका इवेल्यूशन प्रोसेस होगा 9:30 बजे से। तो ये आप देख लीजिए।
और ये थी आज की अपडेट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।